इंडिया में आपका स्वागत है और सोनीपत से मैं विनोद मोरवाल और आज हम यहाँ पर खड़े हैं शहर के बीचों बीच रेलवे पुल के पास में जो रोहतक को कनेक्ट करता है और ये रोहतक रोड की तरफ जाता है। गीता भवन से जब हम सुभाष चौक की तरफ से आते ये पुल है, तो इस पुल की हालत के साथ साथ हम आज आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं यहाँ की जो पानी की व्यवस्था, जो शिविर व्यवस्था की है और किस प्रकार से लोग यहाँ पर इस नरकीय जगह पर जाने को मजबूर है। तो देखिए आपको बिल्कुल अपडेट दे रहे हैं, लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। और तो साथियों ये मेरे साथ आप बने रहिए, ये देखिए बिल्कुल ये किस प्रकार से व्यवस्था है। पानी की व्यवस्था लगाओ, शिवर की व्यवस्था लगाओ, देखिए पाइपलाइन भी जा रही है जो पीने की व्यवस्था की पानी की भी है सड़कों के किनारे के, और ये पानी मिक्स होकर लोग पीने को भी मजबूर है। और इसी प्रकार से यदि हम शिवर की व्यवस्था दिखाइए, ये देखिए बिल्कुल और फ्लोवर ब्लॉक है और ये किस प्रकार से पानी इसमें से निकल रहा है और ये बिल्कुल गंदा पानी है। और इस प्रकार से देखिए ये पानी आप देख सकते किस प्रकार से गाड़ियाँ आ रही है और जलमग्न होकर ये जो रास्ता है हम आपको अपडेट दे रहे हैं, बिल्कुल अपडेट। और ये देखिए बिल्कुल ये शहर को जोड़ता है, जो शहर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। और साथियों देखिए सबसे बड़ी बात जो इस पुल की है, शहर को जोड़ने के लिए ये सबसे पहला पुल था, ये पहला जो ये पुल जिसका उद्घाटन 1997 के लगभग हुआ था और इसके बाद में ये नया पुल बना। और ये व्यवस्था देखिए, ये पानी किस प्रकार से ठहरा हुआ है, पुल के नज़दीक है और पुल को भी क्षति ये पहुंचा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि बीमों में ये जो पुल बना हुआ है जिस पर ये ठहरा हुआ पुल है ये कभी भी गिर सकता है। तो साथियों ये देखिए व्यवस्था देखिए, जर्जर ये हालात हो रही है और प्रशासन ये सोए हुए है। किस प्रकार से देखिए गाड़ियाँ पहले रुकती है फिर आगे देखती है कि आगे जाए या नहीं जाए, कभी गाड़ी डूब जाए। और ये गाड़ियाँ मुड़ भी रही है, ये देखिए किस प्रकार से व्यवस्था है, ये देखिए ये मजबूरी में ये आगे देखिए, एक डर है कभी इतनी महंगी गाड़ी आए और कभी नुकसान पहुँचाए। तो साथियों लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए जैसे जिस प्रकार से गाड़ियाँ मुड़ रही हैं और ये गंदा पानी है, ये देखिए किस प्रकार से गंदा पानी है आप देख सकते हैं। और ये जो पुल है बिल्कुल टूटा हुआ है, साथ में ये देखिए बिल्कुल ये जिस प्रकार से समस्या है। आप आना जाना रहता है यहाँ पर? आना जाना रहता है यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मेरा अजय कुमार बबलू नाम, बरौनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या ये समस्या कब से जीत रही है? ये समस्या बहुत पुरानी समस्या है, हर बारिश में हो रही है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नाम बोला राम जी। कहाँ से जी आप? बोरोना से जी। तो ये क्या समस्या है? समस्या है पानी की, ये तो कई तो पड़ लिया डेरी रिक्शे वाले, चोट लाग ली बहुत तगड़ी। अच्छा, गाड़ी को भी नुकसान हुआ? गाड़ी तो निकलती देख लो ना आप, ऑनलाइन दिखा दे दिख रहे। तो क्या डिमांड जी, क्या होना चाहिए? डिमांड ये है ना, लेवल करवा दे उसका, ठीक हो जाए काम, चल जाए आदमी का। और की तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए एक बार, कोई सिस्टम ना यार फैल है, फेलियर है सारा सिस्टम। इतनी बारिश हो ली एक मैं भी नहीं बताऊ, एक बारिश हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, एक बारिश का काम बहुत पुरानी समस्या है। अच्छा, तो ये गंदे पानी की बिल्कुल सारा सिस्टम फैली रहे, कोई चक्कर नहीं, रोज का काम हमारा। तो अब और क्या समस्या है आपके आगे आ रही है? बिल्कुल मेन समस्या यही है, और कोई समस्या यही राष्ट्रीय यही समस्या है, जाम की है, शहर में जाम की है, शहर में जाम की, ठीक है। तो ये देखिए हमने अभी बात करी और इस प्रकार से हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं और ये देखिए किस प्रकार से समस्या है आपके आगे हम दिखा रहे विकराल रूप इस थोड़ी सी भी बारिश में। और बारिश के अलावा यदि वैसे भी हम देखें तो शिवर का पानी ये इस खड्डे में यहाँ पर भर जाता है और आपको अपडेट दे रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए किस प्रकार से गंदा पानी है। देखिए ये स्वच्छता अभियान की जीती जागती तस्वीरें है, करोड़ों अरबों रुपए जो स्वच्छता अभियान की तरफ सरकार खर्च कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों
की वजह से ये स्वच्छता अभियान ये फीका पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं जो अपनी ड्यूटियों को अच्छे प्रकार से नहीं कर रहे हैं, शिविर व्यवस्था की बात करें या सड़कों की बात करें, सड़कों का जो लेवल की बात करें, कहीं पर पानी ठहरा हुआ है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर निचाई है, ये देखिए, ये हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। ये बिल्कुल गंदा पानी, इतनी गंदी स्मेल, और ये देखिए बिल्कुल काला पानी है, और शिवर का पानी है, बरसात का पानी है, और शिवर को देखिए बिल्कुल ओवरफ्लो है, कभी सफाई यहाँ पर हो ही नहीं। बिल्कुल जो यहाँ पर अधिकारी लगाए हुए हैं, जो कर्मचारी लगाए हुए हैं, ये बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं, यहाँ की कोई व्यवस्था है नहीं। लोग चाहे बेशक यहाँ पर नरकीय जीवन जीकर यहाँ पर मर जाए, लेकिन यहाँ के हाल कभी भी सुधर नहीं रहा। काफ़ी समय से ये हाल है। ये इंडस्ट्री एरिया के पास में है, फ्लाईओवर के पास, सोनीपत ज़िले की हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल, वो देखिए आप दूर देख सकते हो, वो स्कूटी में वो व्यक्ति वहाँ पर फंस गया है, और किस प्रकार से आप देखिए आगे वो कैसे जाएगा इधर से। तो बिल्कुल व्यवस्था जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है, ये हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। किस प्रकार से ये देखिए कैसी समस्याएं हमारे आगे आ रही है। आज हम सोनीपत का हाल आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको लाइव अपडेट दिया था हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का, किस प्रकार से नरकीय जीवन जी रहे हैं। चाहे आप घरों की बात करें, चाहे आप रोडों की बात करें, हर जगह व्यक्ति परेशान नज़र आ रहा है। सरकार जो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी उस पर पानी फेर रहे हैं, और ये व्यवस्थाएं यहाँ पर सुधरनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तभी स्वच्छता अभियान आगे बढ़ सकता है। नहीं तो स्वच्छता अभियान बिल्कुल दम तोड़ते हुए जा रहा है, जो सरकार की साख पर सवालिया निशान लगा रहा है। तो व्यवस्थाएं हम आपको सोनीपत से लाइव अपडेट दे रहे हैं। ये फ्लाईओवर है, रेलवे फ्लाईओवर जो सुभाष चौक के पास में है, रोहतक रोड, ये जो फ्लाईओवर है यहाँ पर कालूपुर चुंगी की तरफ सोनीपत ज़िले की दिल्ली NCR में के नज़दीक, बावजूद होने के बावजूद भी ये यहाँ पर लोग परेशान हैं। सुधार होना चाहिए, बजट पूर्ण रूप से अच्छी तरह आता है, लेकिन वो जो बजट है वो पता नहीं कहाँ पर जाता है। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बजट यदि लगता तो ये व्यवस्था ये यहाँ की अच्छी प्रकार से होती। और देखिए जो पुल है, पुल के पास में जो गड्ढा है, ये जो जितना पानी ठहरा हुआ है, शिवर का हो या बरसात का हो, वे इस पुल की नींव को हिला रहे हैं, और इस पुल को गिरने में आगे जल्दी गिर सकता है अगर जो यहाँ की व्यवस्था ना सुधरी हो। तो K9 मीडिया के लिए हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, साथ के साथ हम आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। शिवर व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं, पानी की व्यवस्था दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल जो सड़कें हैं जलमग्न हैं, किस प्रकार से ये आप अंदाज़ा लगा सकते किस प्रकार से पानी आ रहा है, और ये पुल ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसको बचाना पड़ेगा, व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से पानी ये बह रहा है जैसे झरने की तरह, और व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल तस्वीरें, ना रोड है सही, ना काम के, सारा का सारा बिल्कुल चौपट है। व्यवस्था सोनीपत की हम आपको दिखा रहे हैं, जो विकास कार्यों की आज हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा जगदीश है। हाँ, क्या बात होगी? यहाँ मोटरसाइकिल वाले पड़ जाए, उनका की जगह सिर फूट जाए, की जगह होठ फूट जाए, है यहाँ खड्डा हो रही है। ये 4-5 दिन से हो रही है, ये जब से बारिश चालू है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु। कहाँ से आए हो? तो ये जो पुल टूटा हुआ है, ये यहाँ पर कब से समस्या है? ये जब जैसे पानी ठहरा हुआ जब ये तो जी काफी टाइम हो गया ये तो जल्दी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? हिमांशु। ये देखिए साथियों, बिल्कुल लाइव अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। ये साथियों व्यवस्था देखिए,
सोनीपत के पुल के पास में है, बिल्कुल जाम लग जाता है जब गाड़ियां धीरे धीरे निकलती है। बिल्कुल कतारें देखिए, बिल्कुल गाड़ियां रुक गई है और गति ये देखिए। कहते हैं समय और गति जीवन का सार है, लेकिन ये जो व्यवस्था, ये उपदेश है गीता का ज्ञान, ये मेरे ख्याल से सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। और ये देखिए गति को तो बिल्कुल ब्रेक लगा दी है, ये आप देख सकते हो। सरकार को हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए। तो साथियों ये देखिए व्यवस्थाएं आपको दिखा रहे हैं, ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के निवासियों से भी बात करें, दुकानदारों से जो पुल के पास में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन। कहाँ रहते हो? चाय के ढाबा को। अच्छा, क्या समस्या है, किस तरह रही है? ये समस्या चार पाँच महीने हो गया जी। अच्छा। पूरे भरा हुआ देखो, सिवर सारे कई सारे सिवर से आता है। अच्छा। कई दो बच्चे तो सिवर गिर गए आज। अच्छा, तो सुधरना चाहिए। हाँ, आगे सुधरना भी चाहिए, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। परेशान हो रहे हैं। आपने आगे बोला है निगम में? निगम में कहीं नहीं भरा, हमें पता नहीं है कहाँ बोलूँ कहाँ नहीं। हाँ जी, क्या नाम है? राजपाल धनखड़। राजपाल धनखड़। हाँ, तो क्या समस्या, क्या आ रही है? समस्या जब भी बारिश आ रही है देखो, पुल के नीचे सारे का पानी भर रहा है। अच्छा, पानी भर जाता है? पानी भर जाता है। आए थे कमेटी वाले भी, आए थे प्रशासन वाले भी आए थे, अब पीछे दो दिन पहले बारिश हुई थी तब आए थे। तो कुछ सुधार कराया? ना, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ। देख के चले गए, बस देख के चले गए। तो क्या डिमांड करते हो सरकार से? देखो ये तो बुरा ही हाल हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हो जी। तो साथियों यहाँ के हमने लोकल आपसे बात करवाई, जो यहाँ के निवासी दुकानदार है। अब आपको बिल्कुल व्यवस्थाएं दिखाते हैं, सीधी बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात करते हैं, जो यहाँ पर जिनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है इस पानी की वजह से। ऐसे गंदा पानी है सुनील कपूर। हाँ जी, क्या बात हो रही है? ये गंदा पानी निकल रहा है सीवरेज का चार पांच दिन से लगातार, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, सारे परेशान है। कई टेम्पो पलट चुके हैं इसके अंदर, कईयों को चोट भी लग चुकी है। अभी तो कोई आदमी इसको अटेंड करने के लिए नहीं आया। तो ये सरकार क्या डिमांड क्या करते हैं? सरकार कब कहाँ कहाँ देखेगी, ये तो जो जिसके अंडर आता है, जिस डिपार्टमेंट के अंडर आता है उसको देखना चाहिए आके। तो व्यवस्था सुधरनी चाहिए? व्यवस्था सुधरनी चाहिए और सुधरेगी। धन्यवाद। तो साथियों हमने आपको बिल्कुल रूबरू करवाया, और अब साथियों आज हमने जो आपको लाइव अपडेट दिया K9 मीडिया की तरफ से, मैं विनोद मोरवाल सोनीपत में, हमने आपको लाइव अपडेट दिया है और तस्वीरों से आपसे ये बताया है कि स्वच्छता अभियान कहाँ किस गति की तरफ ये जा रहा है। तो जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर अमल सरकार का होना चाहिए, और यहाँ की जो व्यवस्था है वे ज़रूर सुधरनी चाहिए। K9 मीडिया के लिए विनोद मोरवाल की रिपोर्ट।